देश के कुछ हिस्सों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न शुरू हो गया है। नागपुर में भी गोकुलाष्टमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हर घर में श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है, ऐसे में बाजार में रौनक आ गई है। लेकिन इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महंगाई के चलते श्रद्धालुओं की जेब पर दबाव बढ़ गया है। सबसे खास बात यह है कि मूर्तियों की कीमत में 20-25% तक का इजाफा हुआ है। सजावटी सामग्री भी महंगी होने के कारण भक्तों को खरीदारी करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन उत्साह काफी हद तक बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से कान्हा की मूर्ति को घर ले जाने के लिए चितारोली में श्री कृष्ण भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि मूर्तियों के बढ़े रेट को देखकर श्रद्धालुओं को अपने बजट के बारे में सोचना पड़ रहा है। फिर भी कई भक्तों ने राय व्यक्त की है कि श्रद्धा के सामने महंगाई का भविष्य पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां दिखने में भी आकर्षक होती है। इस प्रकार ग्राहकों द्वारा सस्ती मूर्तियों की मांग की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि मिट्टी की मूर्ति बनाने की लागत उससे अधिक होने के कारण मूर्तियों की कीमतों में 20-25% की वृद्धि हुई है।